क्या मैं करना बताती है? बोल। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी शाम तक मेरे को फीवर था, मैंने पैरासिट जरा सी भी वो नहीं दिखाई, मर्सी, और अब मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ और टाइम हो रहा है रात के 1 बज के कुछ हो रहा है, 1 बजे कुछ हो रहा है। झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? हो रहा है 12:55 हो रहे हैं। हाँ तो 1 बजने वाला है। तो 1 बज के कुछ थोड़ी हो रहा है। रॉक्सी को पता चला व्लॉग बना है तो वो शर्मा के चली गई। रॉक्सी, रॉक्सी तुम राल टपका रही थी वहाँ पे, क्या हुआ? अभी टपका रही। शर्मा गई तुम? और मैंने बहुत उससे बोला था कि मैं स्प्रिंग रोल अच्छे बनाती हूँ और अगर अच्छे नहीं बने तो तुम्हारा जीना हराम है 2-3 दिन जो बचे हैं शादी। अरे नहीं भैया, अरे भैया, अरे मेरे कान गंदे हैं, ठीक है मैं खुश हूँ इन कानों। अरे मैं यहाँ नहीं, मानसी के कान साफ हो रहे हैं। मानसी कढ़ाई है पीछे, बिल्कुल कढ़ाई यहाँ है। और ये बहुत गंदगी है, रुक जा। रॉक्सी के मतलब कि कुछ चीज नहीं है, पर ये खड़ी ऐसे है। मेरे कान साफ कर रहा था, मेरे गंदे कान, मैं खुश हूँ इन गंदे कानों। ये स्प्रिंग रोल बनाए हैं और कितने बज रहे हैं मैं बताती हूँ। 1:44 हो रहे हैं, 2 बज रहे हैं और ये खा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी और मेरा काम ही अभी तक चल रहा है। ये बना चुकी हूँ। गैलरी में नॉर्मल रहता है पर जिसके टेक्स्ट मैसेज में भी लॉक है। इसके साथ मुझे लिए जा रहे हैं। तो गैलरी में भी ऐसी क्या चीज है? तू गैलरी की बात छोड़, पर तू ये सोच। अब इस फोन का क्या आरती था? लॉक नहीं खुलेगा? टेक्स्ट मैसेज पे कॉल लॉक लगाता है जहाँ पर मैसेज ये वोडाफोन आइडिया के आते हैं। कई वोडाफोन आइडिया वाली बाल आलिए सफेद तो बच्चा रहेगा। झूठे इंजाम लगाए जा रहे हैं। हाँ ये बैठा रहा है अकेला बैठा हुआ क्योंकि इसके जाते ही मजे ले लिए। बिल्कुल मैं इस कलंक से जिंदगी भर जी नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, और कुछ बोलना? नो नो। ये तानिया ने, मानसी ने और पिस्ती ने मिलके बनाए हैं, बहुत ही स्वाद, मतलब बहुत ही स्वाद है। खुशबू ले लो सब। उम्मीद नहीं थी तानिया से इतना अच्छा कुछ कहीं कर पाएगी बातों के अलावा। नकली असली है। मानसी आज फॉर्म में, मानसी देगी कंटेंट। मानसी ने तो तगड़ाई दिया है कंटेंट। ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा वाला दे रही है ये। कैमरा वाला है। कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं। आज भी 3 बजे सोने वाले हैं। आंटी ने बहुत दिन बाद ही आजाद करी है। क्या जी ले जिंदगी। नहीं मुझे गोल्डी भी बहुत दिनों बाद मिली। दीदी ना ये हासिल नहीं चाहिए मुझे, देने नहीं थे। और ये मैंने ही बनाए हैं। सुन एक बात बता, गोल के पहले संभाल। अब ये जैसे कैंडी को धोती हूँ ना मैं, तो पहले गिर लेने दे। तू यार सारे मेरे ऊपर गिर रही है। इनके पागल हो चुकी है आज मानसी। मानसी कौन से नशे करके आई है आज तू? स्प्रिंग रोल के करे हैं यूं ही करके। मानसी बीड़ी निकाल, चल दो। अभी लाऊंगी, मेरी सहेली सो रही है। इसने कहा और ये हम सबका मीठा रखा हुआ है। अब 3 बजे का मीठा चल रहा है। ये किस खुशखबरी में है ये मानसी बताएगी। मानसी मानसी ने आज भाभी देख ली। भाभी के मैसेज देख लिए। भाभी नसीब नहीं हुई, भाभी के मैसेज नसीब में आए। सस्पेंस में ये बात रहेगी कि आखिर भाभी कौन सी की थी, है ना? दो है मतलब कि भैया कौन सा था? ये नहीं है भैया, ये है भैया। आज पकड़ रही है। नहीं हमारा भैया सीधा है। हमारा भैया सीधा है, वो संगत अच्छी नहीं रही उसके। ये पिसी भी स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। पता ना पी जस इसको भाभी ने, इसको हमारे भाभी मिल जाएगा कुछ लेगी ऐसा तो है गर्दन। और ये मीठा चल रहा है, खुशखबरी तो है ही बात की। मैसेज में कुछ कहना चाहिए बोल के।
मानसी बोलेगी, मानसी चुटकुला छोड़ रही है आज, मानसी इसके चुटकुले बनाएगी जिस दिन ये ब्लॉग डालेगा। मानसी 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 हफ्ता भर के लिए हैंग। अकेली मानसी हैंग होगी या कोई और भी होगा? नहीं, दोनों एक ही फ्रेम में हो रहे हैं जो हैंग होंगे। हम तक बात पहुंचे तो हम भी हैंग, हमारा चैनल भी हैंग। इन लोगों का सस्ता नशा चल रहा है, चैनल लिया फिर धंधा ने, अब फिर ये ले रही है सस्ता नशा। सिर्फ 99 रुपए ले रही है। ससुराल ले जाना, जैसी चार औरतें बैठे एकदम ऐसा सा निकाल के ऐसे। फिर ऐसे हाँ मम्मी जी कुछ कह रही थी। मैं बताती हूँ, ममता बहन ने बोला, ममता बहन ने बोला किसकी बदतमीजी देख लो। ये वाला जोक बहुत अच्छा था कि गोल्डी नीचे गिर चुका है। जो मानसी इसने ये व्लॉग देख लिया ना, तेरा रिश्ता तो कैंसिल है। दीदी मैं वीडियो में कैसी आ रही हूँ? बहुत ही बदसूरत आ रही है दीदी, मुझे बहुत लोग देखते हैं। ये चार बज चुके हैं सुबह के, और ये कोमल, ये तान्या और मानसी, इन्होंने दोनों ने पता नहीं कौन सा नशा किया है, सस्ता नशा किया है, पता नहीं कब सोएंगी। मैं कोमल को सुला रही हूँ। आज के दिन का यही एंड होता है, और कल है मेहंदी। बाय, टेक केयर। हमारा है छह। बुड्ढा बाबू तो धोते ही हैं, छह को धोते ही हैं। और हमारा ना अछूत होता है सब कुछ, कुछ खाना पीना नहीं होता इतने। और हमारा बुड्ढा बाबू पूजेगा, कुमारी आएगी, आज हमारी लड़की का कंगना बंधेगा, मंडा गड़ेगा, नकल गड़ेगा। कल फेमस कर रही है। फोन नहीं चलाती हो क्या? अजी मौत, फोन चलाने का टाइम मिल लो। हमें मत फेमस करो बीवी, ऐसे रहने दो। चाची क्या हो क्यों ना, क्योंकि मैं भी टेस्ट आवे है, टेस्ट आ रहा चाची अभी। तो पीछे बाल बन के गैर में भी हम बड़े बूढ़े अच्छे लग रहे हैं। बड़े बूढ़े ये बड़े बूढ़े और बड़ी है, बूढ़ी थोड़ी हो। चाची बोले भी ना आ रही है, मैं गाने चढ़ा। ये मेरे से कुछ मांग रही है खाना, और ये दिन की शुरुआत कुछ ऐसी चल रही है। दीदी थोड़ा सा बता दो बस, क्या कर रही हो? हमारे जो गेस्ट आएंगे उनको लिफाफे रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा मामला रखा है पैसों का। हाँ, ये पैसों का मामला है, कोई चोरी मत कर लेना। और ये पापा जी आ गए हैं सलवट, थोड़ा बेटे की शादी कर रहे हैं तो टेंशन में है। ये कढ़ी चावल बनने की तैयारी हो रही है, इतनी ज्यादा ये कढ़ी बनेगी। ये आलसी लोग। भाभी क्या कर रही हो ये बताया मैं? ये पूजा कर रहे काम। एक दो तीन चार पाँच छह सात, कितने बनाओगी? टमाटर। और आंटी हलवा बना रही है, और माई कढ़ी के लिए पकौड़ी कर रही है। सपोलिया ये सपोलिया बना रही है भाभी। और छाया कुछ टहल उठा रही है पहली बार। बता रही हूँ कि अभी अभी बिल्कुल भाभी ने एक बड़ा कटोरा चाय, सर्दी हो रही है चाय से वापस रही है कटोरा से पतीला से ही। यू कह रही थी इसे मैं बाद में पीऊंगी, पहले कप की खत्म कर लूं। दीदी बता देना क्या हो रहा है। ये तेल उतर रहा है आज, तेल उतर रहा था आज, उतर रहा है। अच्छा, हल्दी वाले दिन चढ़ा था, आज उतर रहा है तेल। जो सुबह खाना बनाया था बूढ़े बाबा का, वो उसकी पूजा हो रही है। ये पकौड़ी माई, ये सात पकवान जो कह रही थी वो है। हाँ। अच्छा, इसमें चावल कान्हा ने हल्दी का भी इसे पहन लिया है। मैंने बना लिया। ये यहाँ पे फोटोशूट ड्रेस का एक दिन पहले ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ चीजों का रह रहा है, ज्वेलरी का रह रहा है, और बाकी का नन्नी बताएंगी। नन्नी बताओ।
ये देखो कैसे कर रहे हैं ज्वेलरी का फोटो शूट। और रॉक्सी बहुत सुंदर लग रही है, मेरा कैंडी भी। ये तो बहुत ही हल्की है भैया, मतलब कलर। अरे दूल्हे राजा का फोटो ऐसे तो नहीं है, पर दूल्हे राजा इसमें क्या है, इसमें भी दूल्हे राजा है। जूम है यार दीदी, जूम है, जूम है। पागल हो चुके हो, पागल कैसे हो चुके हैं पूरा। ये लड़के वालों की तरफ से मैंने पहली बार इतनी ज्यादा मेहंदी लगवाई है। दीदी की शादी है, गर्ल मैरिज है। और ये भैया लगे पड़े हैं, अच्छे फोटो खींच के दिखाएंगे आज। ये स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है। इतने दिन से अरे मेरी आंख बड़ी चल तेरी जीव ना रुके कहियो से दे अरे तो रुक बे बड़ी तो मेरा परे बताया डॉक्टर साहब ने।